be bold. Aaja kar le rock and roll together. Jakaria aur Kulsum ki love story. Jakaria aur Kulsum ki love story. Hey, bacha, tu ye bata, kal parsu mein kya hone wala hai? नहीं कोई बंडू है वाह बंदर जा अंदर अच्छा है ये मिंजा मोला ये क्या सुन रहे बस इतना ही ए दिलगिंदा ये हम जंगल में नहीं है ये तो इधर किधर से ये देखिए सर ये देखें इसमें आपको सारे जानवर नजर आ जाएंगे ए भाई अगर इन जा घूम जी घूम जा ए ये तो पकड़ आधे काम तो मेरे को ये शनाक्ति कार्ड हाँ दिखा दो हाँ शनाक्ति कार्ड हाँ अभी दिखा ए ये तो ओ शनाक्ति कार्ड हाँ अभी दिखा दो ए ये तो पकड़ आधे का कर दी ना हल्की बात तुम भारी कर दो हम तो कंपनी की जाने से ये मिसवाक बेच रहे हैं तो जानवरों को लगानी होगी उनके दांत साफ करने के चक्कर में सारी चीजें निकलती हम तो आपकी हेल्प के लिए आए हैं सॉरी अरे आप बिल्कुल गलत समझे क्या रुक जा पहले मुझे बोलो क्यों अरे आप बिल्कुल गलत समझे कोई बात नहीं हमारे पापा नींद के मजे उड़ा रहे हैं सॉरी सॉरी सही थी तुम सब चुप करो जीना होगा मरना होगा पापा को करना होगा होगा मरना होगा पप्पा को बकरा जीना दुआ करना होगा क्या कर रहा है बाड़ी के पास जाके कैसे बंदरों की तरह हंसते बात ये है कि मेरी माँ का मीरपुर खास से फोन आया कि वो ईद मेरे साथ मनाना चाहती है मैं अभी चक्कू को बता के आती हूँ तेरी भाईडी जो है ना मेरे को गुंगा कर देना चाहती है मेरी जुबान करना चाहती है चक्कू ए मनुष्य रमजान गुजर गया किस चीज का सायरन बजा रहे ले? बस फॉर्म पूर करे और कुरान दादी में शामिल हो जाए ए भाई ये ऊंट बैल बच्चिया सब मिलेगा पापा पापा मुबारक हो खैर मुबारक मेरे लाल मगर हुआ क्या पापा आपको प्रॉफिट होने वाले हैं वो कैसे पापा ये बताने से पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट कराऊं तो फिर आप मुझे 50% देंगे हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा क्यों नहीं मेरी जान पर ये तो बता कि 1000 का प्रॉफिट हुआ कैसे वो ऐसे कि आपने मुझसे वादा किया था कि इस बार मैं डैश में पास हो गया तो आप मुझे पूरे 1000 रुपए देंगे बरोबर बरोबर तो मुबारक हो पप्पा इस साल मैंने फेल होकर आपके पूरे 1000 रुपए बचा लिए और आपको 1000 का प्रॉफिट करवा दिया पहले निकाले मेरे 50% ए मेरे पप्पू बेटे मेरे पास अब तेरे को गले लगाऊं ए कमीने 1000 बचाने के चक्कर में पूरे साल की फीस का लॉस करा के मेरे को बोलता है मेरा प्रॉफिट हुआ बच्चा समझ कर ठग दिया ना पप्पा ठीक है आइंदा मैं भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं करवाऊंगा इस बात पे हाथ मिला ले चल निकल चल निकल ऐसा मेरा लॉस करा ये स्कूल वाले भी जानबूझ के बच्चे को फेल करते हैं ताकि वो एक क्लास में डबल डबल पढ़ के इनको डबल डबल फीस दे ए मिंजा मोला आज वर्किंग बाउंड्री पे कैसी सन्नाटा हुआ हुआ है खामोशियां खामोशियां वेरी गुड ए जाकू जाकू इधर तो आ जी माँ आपने बुलाया किस लिए तेरे को पता है कल परसों क्या होने वाला है वैसे तो मैं कोई नजूमी नहीं हूँ लेकिन मेरे को पता है कि आज ने कल ने परसों ने हफ्ते के 7 दिन महीने के 30 दिन साल के 365 दिन इस घर में एक ही काम होता है और वो है आपका और कुलसुम का लफड़ा ए मिंजा मोला इस वाइडी ने मेरे छोकरे की सकल नी अकल सब खत्म कर दी है माँ बाप मेरा मूड तो खराब मत करो वाइडी के पास जाके कैसे बंदरों की तरह हंसते माँ के पास आके तेरा मूड खराब हो जाता कहीं को माँ मैं उसकी बात पे अगर दांत ना निकालू ना तो वो मेरे को कमरे से बाहर निकाल देती मैं क्या करूँ वहाँ अच्छा माँ आप ये बताओ आपने मेरे को क्यों बुलाया तेरे को पता नहीं ये जाने वाली है मालूम है माँ तो फिर तूने क्या सोचा मैं सोचा मैं सोचा माँ की जिससे छोटी ईद पे मैं आपसे छोटा हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा खर्चा किया अब बड़ी ईद पे आप क्योंकि सबसे बड़ी हो तो आप खर्चा करो ना कैसा शर्म कर जक्को शर्म कर
अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं शर्म कर लेता हूँ, आप खर्चा कर लो। किसा बंदर, चल अंदर जाके हंस। ओके माँ। सारे मोहल्ले के घरों में कुर्बानी के जानवर आ गए, पता नहीं हमारे पापा कब लाएंगे। हमारे पापा तो जब लाएंगे जब माल सस्ता होगा। माल तो ईद के गुजरने के बाद ही सस्ता होगा, जब लाने का क्या फायदा। मेरा ख्याल है कि पापा हम सबको सरप्राइज देंगे। मेरे दोस्त के पापा तो हर साल कुर्बानी में ऊँट देते हैं, इस दफा अगर सरप्राइज में पापा ऊँट ले आए तो मजा आ जाएगा। अकलमंद ऊँट को रखेंगे कहाँ, मैं तो पापा को बोलूँगी कि बैल ले आए। वाह बैल क्यों लिया है, वो तो चारा इतना खाएगी। पापा का खर्चा बचाओ, बैल की जगह बछिया मंगवाओ। हाँ हाँ जैसे वो तो कुछ खाती नहीं है। अकलमंदी इसमें है कि बकरा लाया जाए, वो भी दो दांतों वाला। क्यों भाई, दो दांत क्या सोने के होंगे। कर दी ना हल्की बात, तुम भारी का दो। अच्छा तो ये बताओ कि बकरे का गोश्त महंगा होता है या फिर बछिया का। मोहल्ले में इज्जत बढ़ती है और अमीर होने का रोब बढ़ता है, क्यों? राजू कहेगा कि पापा को चाहिए दुम बलिया है ना। अरे नहीं बैल, अरे नहीं बैल, अरे नहीं बैल। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। सोना क्या हो गया, आज तो आप बहुत ज्यादा ही मेरे को खुश नजर आ रहे नहीं है। मौका ही ऐसा है, बात ही कुछ ऐसी है। जरा हमसे भी शेयरिंग कीजिए ना बात को। बात ये है कि मेरी माँ का मीरपुर खास से फोन आया कि वो ईद मेरे साथ मनाना चाहती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको आपकी माँ से मिलने की खुशी होगी और मुझे मेरे खर्चा बचने की खुशी। खर्चा कौन सा खर्चा बचेगा भाई? खर्चा ऐसे बचेगा जब आप अपने बच्चों को लेके अपनी माँ से ईद मनाने चली जाएंगी तो जाहिर है फिर मैं और मेरी माँ बेचारी अकेले इधर कुर्बानी करके क्या करेंगे, तो हमारा खर्चा बच गया ना। नहीं एक मिनट, मीरपुर का जा कौन है? नहीं 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 कुलसुम साहिबा, अब आपने प्रोमिस करना है, आपने मना नहीं करना और अपनी मम्मी के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना। मेरा क्या है, मैं और मेरी मम्मी बेचारी रुकी सुखी खाके भी ईद गुजार लेंगे। जकरिया साहब मैं मीरपुर खास नहीं जा रही, मेरी माँ मीरपुर खास से यहाँ आ रही है मेरे साथ ईद मनाने के लिए। अच्छा 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 वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज अपनी मम्मी से कहिएगा ज्यादा तोहफे लाने की जरूरत नहीं है, बस एक दो दांत का बकरा ले आए। मेरी माँ क्यों लेकर आएगी बकरा? पहली बात तो ये कि माँ से बकरा बहुत सस्ता मिलेगा और फिर बड़ी इतनी खुशी भी तो है। बड़े कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। हो सकता है कि इतनी खुशी बढ़ी है कि एक की जगह दो दो बकरे हो जाए। खुशी माँ बांटी, उससे पहले मैं खुशी बांटी। कितने बुरे दिन चल रहे ले, इतने पैसे नहीं है कि जाके कुर्बानी का जानवर खरीद लो, क्या करूं? मेरे को लग रही है कि अगर बकरे वाला अच्छा मिल जावे तो उसको भूलू के उधारी में दे दो, क्योंकि खानदान तो पूरा पूछ रहे ले मेरे को, आप कौन सी कुर्बानी दे रही हो, बैल दे रही हो गाय दे रही हो, अपन घर में ऐसे गाय बंदी भी है, क्या करूं? अगर जोरा की कमेटी निकल जाती तो इज्जत तो रह जाती ना। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, गिरदा 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 ए मरासी की औलाद, मैंने आज तेरे को बहुत मिस किया। यह जुबी मेरे को यकीन नहीं आ रही है, यह तेरी तबीयत तो बरोबर है ना, ठीक है ने? इसमें तबीयत ठीक होने वाली क्या बात है, आखिर तू मेरा सरताज तो था ना सुलेमान। हाँ, मैं जब तेरे सर का ताज था तो इस ताज को तूने पैर का फुटबॉल बनाया था, देख किक पे किक मारती थी। हाँ। मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गलती पे थी। मोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये जुबी
तेरा आखिरी गेम तो नहीं चल रही है? ए मनुष्य आ गया ना अपनी वक्त पे, चल फुट इधर से। ए पर मेरे को बता तो खरी हुआ क्या ये? हाँ ए मिन्या मोला, होना क्या था, तेरी और मेरी आखिरी निशानी है ना, वो मेरे को बोल रहा था जक्कू, कहता छोटा हूँ ना मैं तो छोटी ईद का खर्चा मेरा, तो आप बड़ी है तो बड़ी ईद का खर्चा आपका। ये सब बोला तेरे को? देखो ना कितनी जास्ती वाली बात है, छोटी ईद से ज्यादा खर्चा होता है बड़ी ईद पे। ए मनुष्य रमजान गुजर गया, किस चीज का सायरन बजा रहे ले? मैं सायरन थोड़ी बजा रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे ले? सोच रहा हूँ कि मैं तेरी अगर परेशानी का हल निकालूं और बिल्कुल फ्री निकालूं तो कैसा? ए जल्दी बता ना, ड्रामे का तो करे ले। देख जुबी, तू घर की भरी है ना, तो तेरे पे खर्चा पड़ रहा है, बरोबर? बरोबर। अगर तू घर की भरी ना रहे तो तेरी जान इस खर्चे से छूट जाएगी, बरोबर? बरोबर। पर मैं जक्कू से छोटी कैसे बन सकती हूँ? अरे कौन बोलता है कि तू जक्कू से छोटी बन जा, पर जक्कू तो इस घर का बड़ा बन सकता है ने? वो कैसे? ऐसे कि ना रहेगी जुलेखा, ना रहेगा उसका बरापन, जुलेखा नहीं होगी तो घर का बरा होएगा जक्कू, सारा खर्चा भी उसका, बिल भी वो भरेगा, कुर्बानी सब कुछ वो करेगा, कैसा? काश मेरे पास इस वक्त बंदूक होती विद लाइसेंस, मैं तेरे सीने पे फटाकड़ी धमाकड़ी कर देती, पर मेरे को पता चला जिन्हों पे गोली नहीं चलती, पर मैं ट्राई मारती हूँ। एक बार आजा 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 ऊपर आजा। ये मिन्या मोला जैसा बाप वैसे बेटा, इसको मेरी जान पे नजर है, उसको मेरी कमेटियों पे नजर है, मैं किधर जाऊं नहीं किधर जाऊं। हमारे दोस्तों के पापा मंडी जा रहे हैं और हमारे पापा नीम के मजे उड़ा रहे हैं। उठो ना पापा, पापा उठो ना पापा। क्या हुआ भाई, जल्दी आ गया क्या? पापा कुर्बानी का जानवर नहीं लाना। ए कौन सा जानवर, कैसा जानवर? कुर्बानी का और किस चीज का? ए तुम सारे एक साथ? पापा प्लीज ऊँट ला दो ना। हैं पागल हो गया, ऊँट के क्या करेगा? पापा ये तो ना पागल है, आपने ऐसे तो छोड़े और आपने मेरे लिए देर दिया है। पापा इन दोनों की बात मत सुने, आप ना सिर्फ मेरे लिए ना बच्चे लिया है। पापा आप इस ना समझे की बात पर मत ध्यान दे, आप सिर्फ पकड़ा लिया है, अगर नहीं लाना तो रहने दे। ए मिंजा मोला, ए राजू तेरी कोई फरमाइश है तू भी बता दे। पापा मैं। ए चुप कर, तुम सब चुप करो, चलो भागो यहाँ से, भागो चलो। कल सुमड़ी तेरी तो जुबान वैसे इतनी तेज है, ये चुड़ियां काय को तेज करे लिए? तासुमा अगर मेरी जबान में ऐसी क्वालिटीज होती तो आप यहाँ मेरे को बातें बनाते हुए नजर नहीं आ रही होती। ये मिन्या मोला, ये औरत मेरे कत्ल का प्लान बना रही है। सासुमा प्लीज, हाँ इतनी सी चुरी से क्या कत्ल होएगा आपका, आपके लिए तो कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ए मिन्या मोला, सौर मेरे जेब काटने के चक्कर में और वाइडी जो है मेरी गर्दन काटने के चक्कर में। सासुमा वैसे तो मैं ये छुरी तेज कर रही हूँ कुर्बानी का गोश्त काटने के लिए, लेकिन अगर आप चाहती है कि ये छुरियाँ मैं आप पर टेस्ट करूँ तो मेरे को कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब है इस बार तू कुर्बानी दे रही है ना कुलसुमड़ी? क्या बताओ सासुमा, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ पल पल कुर्बानी तो दिए जा रहे ली हूँ। ए मिंजा मोला, इतनी कुर्बानियों के बाद इतना बुरा असर? सासुमा इससे पहले कि मैं ये धारा के गले पर इस्तेमाल करूँ, क्यों ना आपकी जबान खींच कर पहले उसको चेक कर लो। मैं अभी जक्कू को बता के आती हूँ, तेरी वाइडी जो है ना मेरे को गूंगा कर देना चाहती है, मेरी जुबान करना चाहती है। जक्कू जाए जाए, बता दे जल्दी बता दे इससे पहले कि आपकी जबान कुछ बोलने के लायक किनारे। जी फरमाइए। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? वैसे तो घर में सभी मुझे बड़ा मानते हैं,
लेकिन क्या करूँ, मेरी हाइट और बर्थ ऑफ डेट थोड़ी छोटी है ना। अरे अरे, मेरा मतलब है कोई बड़ा, मतलब अम्मी अबू नानी दादी वगैरह वगैरह। आपको जिससे मिलना है उसके बारे में क्लियर कट बताया ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं अम्मी को बुलाऊंगा तो पापा नहीं आएंगे, अगर दादी को बुलाऊंगा तो मम्मा नहीं आएंगी, इसलिए आप मुझे बताएं कि किसको बुलाऊं। अरे तुम तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हो। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, बाकी सबको छोड़े आप मुझे से हुकुम कर ले। तेरे लिए हुक्म ये है कि तू इधर से फुट निकल, फुट यहाँ से। वैसे बच्चा हमारा अच्छा है, मैं करीब आ जाऊँ प्यारी लग रही लियो, मगर मैं क्या करूँ, कभी कभी अपने बाप जैसी हरकतें करता है। अरे वाह, इसका मतलब इसके अब्बा भी ऐसी दिलचस्प बातें करते होंगे। छोड़ो इस बात को, आप शादीशुदा हो? जी जी बिल्कुल। ये दफा मार इसके बाप को। ये बता बेल क्यों बजाई तूने? ओ हाँ, ये बताएं कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया आप लोगों ने? क्यों, तूने कुर्बानी की खाल की पर्ची लेनी है? नहीं नहीं, हम तो कंपनी की तरफ से ये मसवाक बेचने हैं, जानवरों के दांत तेज करने के लिए। अरे नहीं, ईद वाले दिन स्टीम रोस्ट, देगी रोस्ट या चांपे तो रोस्ट करवानी होगी आपने। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इन बातों से तेरा मसवाक बेचने का क्या ताल्लुक है? अरे ये इस मसवाक को खरीदने के बाद आपको मौका मिल जाएगा रान और चांपे मुफ्त में रोस्ट करवाने का। वो तो ठीक है, वो रान और चांपे किधर से आवेंगे? जाहिर है आपके घर से। अपन ने तो जानवर खरीदा ही नहीं। जब रान और चांपों का सोचकर ही आपके मुंह में पानी आ सकता है तो ईद के लिए बकरा भी आ जाएगा, जरा सोचिए। पर मैं तो ये दांत की मसवाक कर नहीं सकती, मेरा जबड़ा जो ना आर्टिफिशियल है, तो निकल के बाहर चला जाएगा, लकड़ी को क्या करूंगा। ओके बाय। हाय भाईजान, 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 सलामुअलैकुम। अलैकुम। ए भाईजान, ये क्या पुराना जानवर दीजिए और नया जानवर दीजिए? पहले पुराना वाला तो दिखाए। पर अगर पुराना वाला ना हो तो नया जानवर खरीदे ताकि वो पुराना हो सके। ए भाई, लेकिन वो है कहाँ पर? सर वो तो हमारे फार्म पर है। हैं, और आपका फार्म किधर है? इसमें सर। इसमें? जी सर, इसको पकड़ेगी मैं, इसमें देखे सर। सारे जानवर इसमें नजर आएंगे। ए भाई, अगर इन जानवरों में से कुछ लेना हो तो बस फॉर्म पूर करे और कुरान दादी में शामिल हो जाए। ए भाई, ये ऊंट बैल बच्चिया सब मिलेगा? जी सर, क्यों नहीं, आपके लिए तो हमने ये सब कुछ प्रिंट करवाए। अच्छा, ये फॉर्म है कितने का भाई? 200 के। 200 का? अच्छा चलो फिर एक भर दो। किसके लिए? ए भाई, मेरे लिए भरो, और किसके लिए भरेगा? अरे सर, मेरा मतलब था कौन से जानवर के लिए, ऊंट बैल बकरा दुम्बा या बच्चिया? तो भाई 200 रुपए का एक फार्म है तो 1000 रुपए के 5 हो जाएंगे, 500 भर देता हूँ, क्या मालूम कोई ना कोई निकल ही आवे। ठीक है ठीक है। ए भाई, ऐसा करो कि आप 5 फार्म भर दो। ये लो ये लो ये लो भाई, पूरे 1000 रुपए मेरी मेहनत की कमाई, संभाल के रखना। वाह सर वाह, क्या उमदा फैसला है आपका, तो लगे लगे। थैंक यू थैंक यू। ए भाई, एक काम और करना, मैं आपको 50 रुपए ऊपर देता हूँ, वो जो लक्की वाला फार्म है ना वो मेरा ही निकालना, किलो 50 रुपए। अब तो सर आपको कोई भी नहीं रोक सकता कुरान दादी के पहले नंबर आने पे। आपका निकले निकले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू। अभी तो फॉर्म भी तो भरो भाई। जी जी सर, मैं आपका फॉर्म भर। ए नीचे क्यों बैठ गया? फॉर्म भर। अच्छा अच्छा, ए मिंजा होगा, ए कुछ लिख तो सही कमीने। भाई लिख तो रहा हूँ, आपके लिख रहा हूँ। अच्छा हाँ, बार बार सर शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे? हाँ शनाख्ती कार्ड अभी दिखा। ए ये तो पकड़, आधे काम तो तूने मेरे को दिए। मैं इधर गया, ये रहा, ये लिखो, माँ आप चाहती हो कि ईद वाले दिन हमारे घर में दुम्बे ने बकरे ने गाय ने बच्चिया का गोश्त आवे? हाँ हाँ मेरे छोकरा। तो फिर फट से मेरी हथेली पे 1000 रुपए धर दीजिए। सॉरी बेना, मेरे से चंदा मत मांगना। अरे नहीं, हम तो आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये हेल्प कैश में होगी या? अरे आप गलत समझी, मुझे अपनी बात तो मुकम्मल करने दें। आप सच कह रहे हैं जकू? एकदम 100% सच, आपकी कसम ने आपकी माँ की कसम। आपको अगर कसम खानी है तो अपनी माँ की खाइए। मेरा छोना, हटो मेरे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं मेरा छोना?
मेरे साथ ज्यादा फ्री मत होना। ए भाई इतना गुस्सा काहे को? काहे को काहे को? आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया। लेकिन जी अब मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि आप उनको बुला लीजिए, मगर मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि ईद के पुरमुसरत मौके पर आप क्या खाना पसंद करेंगी? बीफ के मटन? क्या कह रहे हैं जक्कू? ठीक कह रहे हैं जक्कू, बल्कि अगर आप चाहें तो ऊंट भी और दुम्बा भी दस्तियाब है। प्रोप्राइटर जकरिया सुलेमान, और हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है। आप सच कह रहे हैं जक्कू? एकदम 100% सच, आपकी कसम ने आपकी माँ की कसम। आपको अगर कसम खानी है तो अपनी माँ की खाइए। अरे भाई खाली कसमें ही खिलाती जाओगी क्या? खिलाना ही है तो कोई रोटी सालन पुलाव रायता सलाद खिलाओ ना। सरताज आप प्लीज इधर आके तशरीफ रखिए, मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए ताजा ताजा खाना बना के लाती हूँ। मिर्जा मुला किसी महंगी बाइडी है, मुँह ठीक करने के लिए भी हजारों रूपए खर्च करने पड़ते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि एक औरत ही आदमी को लखपति बना सकती है, बस आदमी को करोड़पति होना चाहिए। दादी दादी आपने मुझे बुलाया? अपनी मम्मी से पूछ ईद वाले दिन स्टीम रोस्ट खाना या देगी रोस्ट। अच्छा मम्मा। मम्मा कह रही है रोस्ट होना चाहिए, पर भले कोई भी हो। ऐसा पूछो जाके जहाँ पे खानी या कोई सा भी हो। बढ़िया ही नवाब की बच्ची। मम्मा मम्मा मम्मा। दादी मम्मा बोल रही है जो आपके हमले से बच जाए। तेरी मम्मी को मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये पूछवा रही थी कि मुझे अपना इंतजाम करना है, वो अपना इंतजाम कर ले। जब मेरा इंतजाम हो जाए, जब मैं खाने लगूँ, मेरे को बुरी नजर नहीं डाले। चल फुट इधर से। ए, 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 मैं जो बोला ए भाईडी इधर काय को लेट रह लिए, तेरे बाप का घर है। माय गॉड, शुक्र है फकीर के अलावा भी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जी बहन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम बेसहारे वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आपके इलाके में विजिट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं तो कुछ और समझी थी और ये वही निकली। सॉरी बहन, अब मेरे से चंदा मत मांगना। अरे नहीं, हम तो आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये हेल्प कैश में होगी या? अरे आप गलत समझिए, मुझे अपनी बात तो मुकम्मल करने दें। अच्छा बोलो। अच्छा ये बताइए ईद में सबसे मुश्किल से क्या मिलता है? कुर्बानी के लिए जानवर। गलत, बिल्कुल गलत। वो तो आपके जेब में अच्छे पैसे होने से भी मिल सकता है। ऐसा क्या है जो आपके जेब में पैसे हो फिर भी ना मिले? सास का प्यार। अरे नहीं भाई, वो है कसाई, जिसके बगैर आपका अच्छा सा जानवर है बिल्कुल बेकार, क्योंकि उसे ज़िबा करके गोश्त बनाने वाला कोई नहीं। बरोबर, तो आप लोग कसाई है? जी नहीं, हम कसाईयों के सप्लायर हैं। अच्छा तो वो लोग जो छुरी टोके लेके घूमते हैं वो आप लोग सप्लाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो अपने मुअज्जज मेंबरान को कसाई फराहम करते हैं ताकि वो ख्वार होने से बच सके। कौन, कसाई? अरे नहीं, हमारे मेंबर्स। तू मेरे को इतनी लंबी लंबी कहानियां क्यों बता रही है, मेरे को ये बता बस। ताकि आप हमारी ट्रस्ट के मेंबर बन के हमारी सर्विसेज से फायदा उठा सकें। ओह माय गॉड, खर्चा। ओहो, लगता है इस साल ज्यादा गुर्बत की वजह से आप लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे, वरना आप ऐसी बात नहीं करती। ऐसी वैसी बात नहीं है, अभी बताओ मेरे को ये कसाई कैसे एक ही जानवर हैंडल्स कर सकता है या तीन चार जानवर और भी कर सकता है? चलो खुद तो ज़बा हो जाए, फिर कुर्बानी का जानवर भी कर लेंगे। ए? जी आप यहाँ साइन करना। जुगाड़ हो गया। माँ, ए मेरी प्यारी माँ। माँ क्या हो गया, आज तो आप हिल भी नहीं रही हो, क्या हो गया, खैरियत तो है माँ? मैं रेस्ट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, लड़ लड़ के उसने मेरे दिमाग की दही बना रखी है। बात तो सही है माँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करोगे और फिर लफड़ा चालू।
माँ आप चाहती हो कि ईद वाले दिन हमारे घर में दुम्बे ने बकरे ने गाय ने बच्चिया का गोश्त आवे? हाँ हाँ मेरे छोकरा। तो फिर फट से मेरी हथेली पे 1000 रुपए धर दीजिए। ए भाईड़ा शर्म नहीं आती, ईद वाले दिन भी गोश्त बाजार से खरीद के लाएगा? ए नहीं माँ नहीं, ये सारे जानवर तो खुद के फार्म से आएंगे। मुझे मोला इतने सस्ते इतने कम दामों में? यही तो बात है माँ, चांस कस होता है, बार बार नहीं मिलता। एक मिनट जकू, ये बता जो तू कच्चा गोश्त लाएगा इसमें चापेंदी रानी मगज ये सब रोस्ट हो जाएगा देखी। हाँ माँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो निकाल 5000। 5000 रुपए किस वास्ते माँ? हाँ मुफ्ते में थोड़े बनेगा, मसाले वसाले तो लगेंगे ना। माँ आप ऐसा करो, आप अपनी ऑफर वापस ले लो। मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूँ, ठीक है? बात से बात की इंसान। ए वाड़े एक बात सुन ले, ईद वाले दिन बाजार से गोश्त नहीं आएगा। हाँ माँ फिक्र मत करो, अभी ऐसा जमाना नहीं आया कि अपन लोग बकरा ईद ना मनावे। लकड़ी ने तेरे को मशवरा दिया है ना? कैसा मशवरा? गोश्त वोश का चक्कर दिया तेरे को, माँ से पैसे मार रहे। कुरान दाजी में बेल निकल आया। बोला मेरे छोकरे की किस्मत ने गाय नहीं बेल ही निकले। सासू माँ आपका छोकरा भी कोई मिस्टर यूनिवर्सल नहीं है। अंकल ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे घर ना बेल आएगा, बेल। वेरी गुड, यही तो गड़बड़ी हो गई। उन्होंने मेरे को ये कहने के लिए फोन किया था कि बेल तो निकल गया, अभी और कुरानदाजी के लिए आप आ जाओ। तो बाकी के कुरानदाजी में क्या निकला? बहुत कुछ निकला माँ, बहुत सारे जानवर निकले, अभी दिखाता हूँ आपको। मिंजा मोला बकरा ईद आ रही है, खर्चा ला रही है, मगर कुर्बानी करना भी तो बहुत अच्छी बात है। ये बकरों का बंटवारा। मिंजा मोला क्या करें, ये हिसाब किताब मैं बहुत घेरा हिसाब कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अपन के पास जितने बकरी चीजें वगैरह आएंगी उन सब का गोश्त बंट बटाने के बाद कितना किलो बचेगा, यानी कि अपन को प्रॉफिट कितना होगा, ये मैं देखूंगा। प्रॉफिट करने के लिए आपको गोश्त बनाना पड़ेगा, गोश्त बनाने के लिए आपको कसाई चाहिए होगा। मिर्जा मोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोच लिया है और इंतजाम भी कर लिया है। तो प्लीज अब मेरे से कसाई के लिए पैसे मत मांग लेना। प्लीज जकुआ, ये थोड़े मोड़े पैसे ना मैं खुद ही मैनेजमेंट कर लेती हूँ। बाकी वो कुलसुम बात क्या थी कि ना मेरा भी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, अगर 1-2 हजार रुपए आप मेरे को दे देती तो थोड़ा सा मेरे खर्चे में। क्यों नहीं है? अभी जो ये हिसाब वो लेडीज आपका हो गया है, उसमें क्या आप डॉक्टर कहाँ नहीं, हॉस्पिटल कहाँ नहीं, दवा कहाँ नहीं, आप क्या खर्चा डालना चाहेंगे? भाई नहीं भाई नहीं, पैसा नहीं देना न जा यार, कोई बात नहीं, मगर ऐसे मेरे को धमकी नहीं दे मारने पीटने वाली। ओके ओके थैंक यू। वैसे कुलसुम मैं क्या सोच रहा था कि जो मियां बीवी होते हैं वो एक दूसरे के बड़े काम आते हैं। नहीं बराबर, आप मेरे काम आओ, मैं आपके काम आऊंगा। बराबर, तो फिर मेरे को एक कप चाय तो पिला दो। ओके थैंक यू। क्या बोला, कभी कभी भाइयों का मूड अच्छा हो ना तो सारी चीजें अच्छी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी क्या करें, क्या बोला जिनका फोन आ गया। हेलो यस जकरिया सुलेमान स्पीकिंग। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा बिल निकल आया। थैंक यू भाई थैंक यू, मैं बस अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। ए भाई तू फोन रखेगा तो पहुंच भी होगा ना? हाँ ओके ओके ओके। ए माँ, ए कुलसुम, ए माँ माँ माँ, ए कुलसुम कुलसुम। ए भाई हिसाब किताब संभाल के रखो, नहीं तो ये भाइयों को पता लग गया ना तो मुसीबत हो जाएगी, टेंशन में अपना आपा नहीं खोना। माँ ए माँ, ए कुलसुम, ए माँ, ए माँ, क्या हुआ? ए मेरा कुरान दाजी में बेल निकल आया। बोला मेरे छोकरे की किस्मत ने गाय नहीं बेल ही निकले। सासू माँ आपका छोकरा भी कोई मिस्टर यूनिवर्सल नहीं है। ए भाई बस कर जाओ ने, आज के इस खुशी के मौके पर जहाँ मेरा बेल निकला है
तुम लोग लड़ाइयां शुरू कर दी है तुम लोगों ने। लड़ाई लड़ाई माफ करो आप। माँ जरा थोड़े से पैसे तो देना। रोकड़ा काहे का? और रोकड़ा इसलिए कि अभी जाहिर है जब बेल को लेके आऊंगा वो कोई मैं बसंती राज टोचिंग करके तो नहीं आऊंगा, उसके लिए सुस्की करानी पड़ेगी ना माँ। तो मचाते ये लाना पैसे। थैंक यू माँ, वेरी गुड आपने पैसे दे दिए। कुलसुम साहब आप ऐसा कीजिए कि ना बेल के लिए चारे का इंतजाम कीजिए और साथ साथ उसके लिए रंग बिरंगी ज्वेलरी का भी इंतजाम कीजिए। सरताज आप पहले बेल तो लेकर आए, उसके बाद मेकअप का सारा सामान रेडी हो जाएगा। ए, बेल की फिक्र नहीं कर, ऐसे जाऊंगा ऐसे आऊंगा। चुटकी बजा। ए, किधर गए किधर गए? बैठो ना कर मनमानी, एक प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में राजा घर घर में रानी। दिल की खिड़की को बेबी लव की बातें बोल, आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर। दिल की खिड़की। हाँ बेटा, इस बार घर में किस चीज की कुर्बानी करें? अंकल वोट की इंशाल्लाह। अंकल ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे घर ना बैल आएगा, बैल। वेरी गुड। बैल नहीं बच्ची आ रही है। वेरी गुड। अंकल बकरे के सिवा कुछ नहीं आने वाला, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ। वेरी गुड। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चलो अंदर जाओ। ऐसे गुजारे यूं अपना जीवन, न कोई डाका न कोई चोरी, अब्बा का साया सत्य है छाया, एक भरी तिजोरी बच्चों की टोली। क्या बना जक्कू? ए भाई वो तो पहले ही निकल गया था। क्या मतलब हमारा बेल नहीं निकला? यही तो गड़बड़ी हो गई। उन्होंने मेरे को ये कहने के लिए फोन किया था कि बेल तो निकल गया, अभी और कुरान दाजी के लिए आप आ जाओ। तो बाकी के कुरान दाजी में क्या निकला? बहुत कुछ निकला माँ, बहुत सारे जानवर निकले, अभी दिखाता हूँ आपको। ये ले गुड़िया, तेरा दुम्बा निकला। पापा लेकिन मैंने तो बेल का कहा था। ये अभी तो बताया कि बेल तो पहले ही निकल गया ना। ये तेरा बच्चिया और ये अपना बकरा किसका था? हाँ ये तेरा बकरा निकला कुरान दाजी में, और तेरा भाई ऊंट निकला है, और राजू तेरा सबसे बड़ा जानवर निकला है, और वो है ये डायनासोर। ये ले। ए मिंजा मौला, किसी जानवर में इस भाईड़ी की जान ही भर के ले आता, कुर्बानी तो करते। सासू माँ, ए मिंजा मौला मेरे को पता था जब तक ये भाईड़ी हमारे घर में लेगी हमारी किस्मत कभी नहीं खुल सकती। एक्सक्यूज मी मेरी क्या बात करे, आपके बेटे की नियत ही खराब है। 500 रुपए दिए मैंने उसका ताई को, मेरा तो 500 रुपए का नुकसान हुआ ना। 500 तो मैंने सुस्की के लिए दिए, बाकी जो बचे वाली बात सुनानी, दिल थाम
उठ बैठो ना कर मनमानी, एक प्रेम कहानी ना हो पुरानी, हर गल न राजा जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम की, जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और